हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी स्टूडेंट देखिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को 6 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर है मात्र तीन ही एप्लीकेशन आपको डिस्कस करने वाला इस वीडियो में तीन ही एप्लीकेशन बताऊंगा और तीनों में से एक एप्लीकेशन आ जाएगा और आसानी से आप चार नंबर आपके हाथ में होगा ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीन एप्लीकेशन वह भी बहुत छोटा बहुत ही छोटे तरीके से बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल है आप आसानी से याद कर पाओगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिलायकन को प्रेस कर

आपके फ्रेंड का ठीक है उसका नाम देना है, लिख, है लिख देना है और जिस डेट को लिख रहे हो डेट लिख देना बस हाँ हालांकि आपको सन पूरा नहीं लिखना है जैसे 2020 2022 पूरा नहीं लिखना है डोटेट करके छोड़ देना है ठीक है इसके बाद आपके फ्रेंड का जो भी नाम हो जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो जैसे यहाँ पे डियर शेखरन दिया है आपके रोहित अमन मुकेश जो भी आपके फ्रेंड का नाम हो यहाँ पर लिख सकते हैं लड़कियाँ अपना जो भी लड़कियों का नाम होगा लड़कियाँ लिख सकती हैं अपना नाम तो डियर शेखरन फिर लिखना है यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू उसको विश करना है हैप्पी बर्थडे टू यू आल्सो ग्रीटिंग फ्रॉम डैडी एंड मॉम, ठीक है इसके बाद वी आल वुड हैव कम टू योर पर्सनली ऑन योर बर्थडे बट ड्यू टू माई एग्जामिनेशन वी आर अनेबल टू डू सो एनी वे बाई द एंड ऑफ दिस मंथ वी सेल डेफिनेटली कम टू यू फुल स्टॉप दे दीजिएगा बस सब खत्म होने वाला है वी होप दैट यू विल You सेलिब्रेट योर बर्थडे विथ योर फ्रेंड डैडी इज बाइंग अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू इट सेल बी बॉट टू यू वैन वी कम हाउ आर यू अबाउट योर स्टडीज डू राइट अबाउट योर सेल्फ आई होप यू आर वर्किंग हार्ड दिस टाइम बस इसके बाद योर लविंग फ्रंट ए बी सी डी पूरा नाम नहीं लिखना है अपना एबीसी लिख दीजिएगा पूरा कंप्लीट हो गया देखिए कितना सिंपल में हमने अच्छे तरीके से लिख के बताया इतना सिंपल तो आप दो मिनट में या तीन मिनट में अधिक से अधिक आपको समय लगेगा और आसानी से इनको आप याद कर पाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए एप्लीकेशन पहला क्लियर होगा तीन एप्लीकेशन बात में बताऊंगा बस तीनों अपलीकेशन याद कर चल जाइए पहला एप्लीकेशन गया ना दूसरा अप्लीकेशन देखिए क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेंट यू लिव ऑफ ऑप्शेंस फॉर थ्री डेज ड्यू टू इलनेस कह रहा है कि इलनेस अगर आपको बुखार है तो तीन दिन के लिए आप अपने प्रिंसिपल को अप्लीकेशन कैसे लिखोगे अपने कॉलेज प्रिंसिपल को अप्लीकेशन कैसे लिखोगे तीन दिन के लिए अगर छुट्टी लेनी हो अगर आपको बुखार है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कैसे तो टू द प्रिंसिपल स्कूल का नाम लिख लीजिएगा आप लोग ठीक है मैडम या सर जो भी प्रिंसिपल आपके कहूँ मैडम होंगे तो मैडम लिख दीजिएगा सर होंगे तो सर लिख दीजिएगा इसके बाद देखिए मात्र देखिए बहुत ही छोटा है कैसे लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई एम अनएबल टू अटेंड द कॉलेज इसके बाद आई देअर फॉर रिक्वेस्टेड यू टू ग्रेंट मिली फॉर अपसेंस फ्रॉम ट्वेल्थ अक्टूबर से लेके यहाँ पे पूरा डेट नहीं डालना है टू ट्वेल्थ अक्टूबर डॉट डॉट आई सेल बी हाईली ओबलाइज टू योर एक्ट ऑफ किडनेस ठीक है किडनेस हो गया इसके बाद देखिए क्या डेट आपको डाल देनी है पूरा डेट आपको नहीं लिखना है योर ओविडेंटली में आप लोगों का नाम नहीं लिखना है आप नाम हालांकि लिखा है आप नाम नहीं लिखना है एक्स वाई जेड लिख देना है और क्लास में आप लोग ए लिख दीजिएगा ठीक है पूरा आप लोग ये नहीं कि नाम पूरा लिखने लगे नहीं नेम आपको लिखना ही नहीं है भाई इसमें ठीक है और जो सन आप लिख रहे हैं पूरा सन भी आपको नहीं लिखना है तो देखिए दो एप्लीकेशन मैंने बता दिया दोनों एप्लीकेशन क्लियर हो गया ना एक एप्लीकेशन और है जो कि ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा इन तीन के बाहर नहीं जाएगा तीन अगर एप्लीकेशन आपको तैयार है चार नंबर आप फ्री में ले जाएंगे

द प्रिंसिपल यहाँ पर लिखना पड़ेगा यहां पे टू द प्रिंसिपल और अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा और जिस डेट को लिख रहे है डेट लिखी सन आपको पूरा नहीं लिखना है और आपको हेडिंग डालना है इसमें सब्जेक्ट एक हेडिंग आपका सब्जेक्ट रहेगा कि किसके बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो सब्जेक्ट में लिखोगे कि रिक्वेस्ट फॉर द कंसेशन फीस ठीक है मतलब कि मैं आप जो लिख रहा हूँ आप लोगों के अप्लीकेशन और कंसेशन फीस के लिए ठीक है फीस माफी के लिए फिर इसके बाद जस्ट वहां से रिक्वेस्टेड सर लिख लेना है ठीक है रिक्वेस्टेड सर के नीचे है देखिए आपको लिखना है कंडीशन को अपने ठीक है क्या कि इट इज विथ ग्रेट रिस्पेक्ट दैट आई बेग टू से दैट आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली माई फादर इज द ओनली अर्निंग मेम्बर इन द फैमिली एंड वी आर थ्री चिल्ड्रन हुर स्टडिंग सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू पे द स्कूल फीस ठीक है यहां तक थोड़ा सा बस दो लाइन और है बस इसका समाप्त हो जाएगा क्या है आई हैविन सिक्योरिंग आई हैव बिन सिक्योरिंग फर्स्ट क्लास एवरी ईयर बेसाइड इट आई हैव गोट सेवरल प्राइजेज फॉर टेकिंग पार्ट इन डिबेट एंड गेम्स आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रेंट मी फिश कंसेशंस ठीक है यहां तक आपको लिख देना है फीस कंसेशन और देखिए यहां पे भर गया पेज यहां पे, पे लिख देना है योर एक्स वाई जेड नाम नहीं लिखना है यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा योर एक्स वाई जेड और डेट अपना लिख लीजिएगा ठीक है डेट आपको पूरा नहीं लिखना है डेट लिख के आपको सन पूरा नहीं दस तारीख बीस तारीख जो भी लिख सकते हैं लेकिन दो हजार बीस से पूरा डेट आपको नहीं लिखना है ठीक है बस इतना ही छोड़ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों के तीन हमने अप्लीकेशन आपको बताया बस तीन अपलीकेशन आप याद करके चलिए अभी सिंपल भी है और आसानी से याद भी होगी आप लोगों को जाइए चार नंबर उठा ले जाइए इससे बाहर अपलीकेशन नहीं पूछेगा मेरा है ठीक है इतना अगर आपको याद है तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला है तो मेरे प्यार लाइक कीजिए और चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए मिलेंगे एक से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद